एक बार मधुबन में हम कुछ सेवा केंद्रों की प्रमुख बहनें आपस में बैठी हुई थी और इस बात की चर्चा चल रही थी कि बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे, कहीं आग लगेगी, कहीं भूचाल आएगा, कहीं बाढ़ लगेगी, कहीं तूफान होगा। आप सोचिए ऐसे समय पर हम अपने बचाव के लिए क्या करें। किसी ने कहा बचाव की तो बात पीछे छोड़िए, अगर ऐसी मूसलाधार वर्षा हो या कुछ वातावरण में प्रदूषण इतना फैल जाए कि हमारा अनाज ही प्रदूषित हो जाए, हम बचे तो सही लेकिन हम कुछ खा पी ना सकें तो जीवन कैसे चलेगा। तो एक बहन ने कहा भाई इस पर तो मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। तो सब बड़े एंक्शियस हो गए, सुनने के लिए क्यूरियस थे कि क्या प्रैक्टिस आपने, खाना चीजें सब दूषित हो जाए और उस समय भी आपको खाने के लिए कुछ मिल सके, या आपने क्या प्रैक्टिस शुरू की है ताकि हम भी कर सकें। तो उस बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर खाने के लिए कुछ दिन ना मिले, दूषित वातावरण के कारण हमारा अनाज विषैला हो जाए, उससे पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कभी कभी एक टाइम खाना खाती हूं, एक टाइम खाना नहीं खाती हूं। किसी दिन सारा दिन मैं पानी नहीं पीती और कभी कभी सारा दिन कुछ नहीं खाती, ताकि ऐसे समय के लिए हम अपने को तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि अंत में जाने के समय खाना पीना ना मिलने के कारण हम उसी चिंता और चिंतन में चोला तज दे। तो मैंने इस प्रकार का अभ्यास करना शुरू किया है। अभी दादी मीटिंग हॉल है, मैं समझती यहां या पांडव भवन, मुझे वो जगह का ख्याल नहीं आ रहा। तो हम आपस में अभी चर्चा कर ही रहे थे तो इतने में गुलजार दादी जी वहां से निकल रहे थे। तो हमने कहा दादी अगर आपके पास समय हो तो आप बैठ जाइए, क्योंकि दादी जी ने कहा कि क्या चर्चा हो रही है। तो हमने कहा कि आप हमारी चर्चा को सुनिए, क्या चर्चा हो रही है। तो दादी जी ने कुर्सी पर बैठ गए तो हमने दादी को सुनाया कि अपनी ये बहन अपना पुरुषार्थ बता रही है कि जल दूषित हो जाए, भोजन विषैला हो जाए, खाने को कुछ दिन ना मिले, तो किस प्रकार हम इससे पूर्व कभी व्रत करना या कभी पानी ना पीना ऐसी आदत डाल लें। तो दादी ने सारा सुना, हमने डिटेल में सब बातें सुनाई, मैं अभी नहीं सुना रही। तो दादी ने फौरन बड़े मधुर शब्दों में कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूं। तो हमने कहा दादी जो आप समझते हैं आप वो बताइएगा। तो दादी ने उस समय कहा कि बाबा ने यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब सुबह के नाश्ते का सामान है लेकिन खाने का कुछ नहीं है, ऐसी बैगरी लाइफ थी, तब भी बाबा ने बच्चों को व्रत नहीं रखाया, कभी भूखा रहना नहीं दिया,
कभी ऐसा भी समय आया कि नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, तब भी बाबा ने गुड़ में सोडा डाल करके जो इतना गुड़ इतना हो जाए उसको बॉर्नवीटा का नाम देकर बच्चों को खिलाया, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखा। तो बाबा ने कभी व्रत नहीं कराया, तो हम कैसे व्रत करके अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे? तब दादी से पूछा गया फिर हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी ने अपने अनुभव और बाबा की आज्ञा के अनुकूल यही बात सुनाई कि ऐसे भयानक समय से आने से पूर्व हमें अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होती है, स्वाद लेकर के रस के वशीभूत होकर के हम कुछ स्वीकार नहीं करते, परंतु जो शिव बाबा के यज्ञ से हमको मिला या भंडारे से प्राप्त हुआ वही शरीर के लिए उपयुक्त है, उतनी ही चीज शरीर को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो पूरी बनी है, रोज पूरी तो बनती नहीं, दो की जगह चलो चार खा लेंगे, कोई रोज थोड़ी खाते हैं। आज समोसे बने हैं, वैसे तो सबको एक एक समोसा मिला है, क्यों नहीं दो समोसे और दो गुलाब जामुन भी खा लिए जाएं। कल मीठा ज्यादा नहीं खाएंगे, आज तो बन ही रहा है। तो स्वाद के वशीभूत, आसक्ति के वशीभूत अगर हम कुछ स्वीकार करेंगे तो जब ऐसा नाजुक समय आएगा तो जिनके अंदर आसक्ति की भावनाएं होंगी वो अनासक्त आत्मा ना होने के कारण आसक्तियां उन्हें परेशान करेंगी और ऐसी आत्माओं के विषैले अन्न के समय उनको भूखा रहने में, अन्न की याद में उनको प्राण तजने पड़ेंगे। इसलिए बहुत क्या पहले से अगर आपको अभ्यास करना है तो अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करो। कुछ भी स्वीकार करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने यज्ञ वत्सों को यज्ञ में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी थी कि जब ज्यादा खाने पीने को नहीं था तब बाबा ने एक बार खीर के साथ सबको कहा था, दूध में चावल डल के जो खीर बनती है, आज सभी बच्चे खीर के साथ भोजन करेंगे, आज और कुछ भी नहीं मिलेगा। शाम की क्लास होती थी, उसमें बाबा अपने बच्चों की कचहरी करते थे और पूछते थे कि बच्चे सब सारा दिन अच्छे रूप से गुजरा, किसी ने कोई भूल की हो या किसी ने किसी की कोई भूल देखी हो तो वर्णन करो। तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया, कहा बाबा आज बाबा ने आपने सुबह कहा था कि खीर के साथ भोजन खाना है, बाबा मैंने खीर भी नहीं खाई, मैंने तो पापड़ के साथ ही रोटी खा ली। बाबा ने कहा तुम्हारी पापड़ में आसक्ति थी, तुम्हें खीर नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए तुमने पापड़ से खाई, ये तुम्हारा कोई त्याग नहीं था। त्याग उसे कहा जाता है कि जब कोई चीज हमारे पास है और उसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त है और हम स्वीकार करते हैं, अगर खीर तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं देती थी तो तुमने खीर छोड़कर पापड़ से खाई और ये अपनी महानता दिखा रहे हो, ये महानता नहीं होती। महानता त्याग में है, महानता पदार्थ में नहीं होती। तो बाबा हम बच्चों को कैसे अनासक्त रूप बच्चों का होना चाहिए ये बच्चों को सिखाता रहा।
आज आप अपने आप से पूछो, जब नाश्ता खाते हो, खाना खाते हो, उस समय आपकी अनासक्त वृत्ति यहां ही नहीं, अपने घर परिवार में भी अनासक्त वृत्ति होती है। कोई चीज आसक्तिवश मुझे अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, ऐसा समझकर कभी स्वीकार ना कीजिए। समय ऐसा आएगा खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों में अनासक्त भावना होगी, बाबा उन बच्चों को गारंटी दी हुई है कि अंत तक भी उनकी किचन से दाल रोटी नहीं खुटेगी, उनको दाल रोटी जरूर मिलती रहेगी। ये कभी ना सोचना हम भूखे रह जाएंगे। यहां तक बाबा ने कहा था कि मैं वतन में बुलाकर भी अपने बच्चों का पेट भर दूंगा, मैं कभी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा।